हेलो एवरीवन, आज है 26 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे एनबीएफसी स्टॉक के बारे में जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। बढ़िया स्टॉक है ये और आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न देने का पूरा पोटेंशियल भी ये लोग रखते हैं। तो चलिए शुरू करें, वीडियो शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड। देखिए आज बढ़िया तेजी है बाजार में, 96 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आज आप देखिए 6.5 से 7% तक का हाई ये बना चुका है। देखिए एलएनटी का एक बहुत बड़ा बैकबोन इनके साथ है और शेयर काफी कम प्राइस के ऊपर ट्रेड करा, इतनी देर से काफी ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अब बाजार में थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को मिल रही है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, ये जो तेजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए तेजी जरूर है, आने वाले दिनों में शायद मार्केट में और थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखता है ये शेयर। एलएनटी 96 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में इसमें आप देख सकते हैं कि 7.5% तक की गिरावट, देखिए बहुत ही डीप करेक्शन आई है इसमें, 104 रुपये 105 रुपये तक का हाई इसने बनाया तो उसके बाद गिरावट है। अब यहाँ से ऊपर उठने की इसमें शुरुआत हुई है क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बजट में सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी अनाउंसमेंट की थी जो मार्केट को एक्साइट करने वाली थी, मार्केट को ऊपर लेकर जाने वाली अनाउंसमेंट थी। पिछले 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एलएनटी फाइनेंस में पिछले 3 साल में हालांकि सिर्फ 2.35% का ही ग्रोथ है, इस बीच अभी देखिए 211 रुपये तक का हाई है और लो बनाया है 81 का, 81 रुपये से नीचे ये स्टॉक नहीं गया है और 81 में भी 2016 में ये गया था। उसके बाद देखिए तेजी आती है, उसके बाद गिरावट है लेकिन वापस से शेयर बाउंस बैक जरूर कर लेता है। देखिए मिड कैप स्टॉक है, 19,190 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 2 करोड़ के शेयर्स का आज का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है, 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। अब देखिए कंपनी के जो नतीजे आए हैं जून क्वार्टर के वो बढ़िया है, उतने बुरे नहीं, एटलीस्ट ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। नेट सेल्स में 8.79% का ग्रोथ है, 3,590 करोड़ का नेट सेल्स है। नेट प्रॉफिट में आप देखिए 550 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 0.22% का ग्रोथ यहां पर भी है और क्वार्टर दर क्वार्टर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, क्वार्टर दर क्वार्टर नेट सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर बात करेंगे देखिए प्रमोटर्स के पास 63.89% की होल्डिंग है, एफएस के पास 10.47% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.46% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 22.59% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिवी नहीं है, बैलेंस शीट उनकी काफी अच्छी है यहाँ पर। अब देखिए 18 म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाया है, 109 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है, 11.58% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है, 10% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपये यहाँ पर मिल रहा है, तो काफी अच्छे वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग और अच्छे प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा है, लेकिन अगेन कहूंगा कि एक साथ सारी की सारी क्वांटिटी कभी भी मत फंसाइए, छोटे छोटे शेयर खरीदिए, एसआईपी मोड में खरीदारी करिए तो काफी ज्यादा बेटर आपके लिए चांसेस रहेंगे प्रॉफिट कमाने के। तो ये तो पहला शेयर था। दूसरा जो शेयर है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, 330 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। देखिए 18 से 19 रुपए का आज अप है, 6% अप रहा है ये शेयर और देखिए यहां से कंटिन्यूस आज उठा है ये, ऊपर ही ऊपर जाता हुआ यहाँ पर मुझे इसका चार्ट दिखाई दे रहा है, काफी बढ़िया है। इनके वैल्यूएशन भी 3 साल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 3 साल में इसमें देखिए 0.11% की गिरावट है लेकिन 527 रुपए से गिरता हुआ ये नीचे आया है और 250 रुपए करीब का लो भी यहाँ पर बना है 3 साल में। अब देखिए काफी यहां से धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश भी कर रहा है ये शेयर, इस बार का जो लो यहाँ पर बना था वो 290 रुपए के करीब बना था, उसके बाद इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, यही पिछले महीने ही 200 रुपए यहाँ पर आप देखिए 290 के आसपास लो बना था, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ये शेयर। देखिए ये भी लार्ज कैप स्टॉक है, 20,440 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, एनएससी में हम बात करेंगे तो 37 लैक्स के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, बीएससी में बात करेंगे तो 2 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर आप देखिए नतीजे की बात करेंगे तो हालांकि नतीजे इनके अच्छे नहीं आए थे और यही वजह है कि शेयर्स में गिरावट भी थोड़ी बहुत आई थी, 88% की गिरावट नेट प्रॉफिट में है इनके लेकिन नेट सेल्स में 2.5% के आसपास की गिरावट है। नेट प्रॉफिट डेफिनेटली इनका गिरा है इस क्वार्टर में
लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो घोषणाएं की जा रही है उसमें एनबीएफसी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा हमें मिलता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तो इसलिए एक अच्छी क्वालिटी का ये शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, अच्छा खासा बैकबोन है इनके पास, तो एक अच्छा स्टॉक हम इसको मान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रमोटर्स के पास 51.19% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 25.87% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 11.36% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 8.39% की होल्डिंग है। अब देखिए प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है, 23 म्यूचुअल फंड कितने पैसा लगाया, 432 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है, और अगर हम बात करेंगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग तो 3.37% इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है, डिविडेंड 200% का ये डिविडेंड दे रहा है, तो अच्छा स्टॉक है। इसमें मैं यही कहूंगा कि एक साथ सारे शेयर मत खरीदिए, एसआईपी मोड में खरीदारी करेंगे तो ही फायदा रहेगा आपके लिए, और खरीदने के लिए ज्यादा जल्दबाजी ना करें, वेट कीजिएगा इसमें, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट, अभी तो मैं जैसे कह रहा हूँ कि जो अनाउंसमेंट हुई है तो थोड़ा बहुत तेजी हमें देखने को मिलेगी आने वाले 1-2 हफ्तों तक, उसके बाद मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट भी आएगी देखिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट जो है वो भी थोड़ा बहुत डाउन चल ही रहा है, और जो बाकी चीजें दिक्कत है यहाँ पर है, क्योंकि देखिए मार्केट पूरी तरीके से डाउन जरूर है, लोगों की नौकरियां जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो हमें इन सेक्टर्स पर देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर पर हमें भी थोड़ा वो इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। तीसरा जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है जेएम फाइनेंशियल। जेएम फाइनेंशियल 72 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, मैं यही कहूंगा इसके लिए कि अगर आप इसमें निवेश तभी करें जब आप लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हो, कम से कम आप 2 या 3 साल का पर्सपेक्टिव हो तो ही आप इसमें पैर फंसाए, क्योंकि देखिए 72 रुपीज का स्टॉक है, और अगर हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की तो पिछले 1 महीने में जेएम फाइनेंशियल का शेयर 2.21% का ग्रोथ लेकर बैठा है, 1 साल की हम बात करेंगे तो पिछले 1 साल में इसमें 42% तक की गिरावट है, देखिए 225 रुपीज तक का यहाँ पर हाई बना है और 64 रुपीज तक का लो भी बना है, देखिए 1 साल में देखिए 64 रुपीज पर 40 था, बाउंस बैक किया 93 तक पहुंचा, फिर से नीचे गया ये 75 तक, वापस से बाउंस बैक करके पहुंचा 93 तक, फिर से गिरावट आई पहुंचा वापस से 79, फिर वापस उठा 95, फिर वापस गिरावट आई 65, अब यहां से अगेन इसी तरीके का कैंडल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी आएगा, तो ये वो शेयर है जिसमें आप लोअर में खरीदारी कीजिए, ऊपर उठने के बाद आप इसको बेच भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी खरीद के करेंगे तो उतना बुरा नहीं मुझे लग रहा है ये शेयर। देखिए 10.81% का ग्रोथ है 3 साल में, इस बीच 55 रुपीज तक का लो है और 186 रुपीज तक का हाई भी है। बात करेंगे तो मिड कैप स्टॉक है, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एनएससी में देखेंगे तो सिर्फ 2 लाख करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। नतीजे की बात करेंगे तो नतीजे इनके ऑलमोस्ट फ्लैट, मैं इसको मानूंगा ना अच्छे है ना बुरे हैं, मैं फ्लैट इसको जरूर कहूंगा। नेट सेल्स की बात करेंगे तो 7.5% की गिरावट है, 823 करोड़ का नेट सेल्स है इस बार जून 2019 में, जबकि मार्च में वो 890 करोड़ का था और जून 2018 में वो 814 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देखिए 127 करोड़ के आसपास का है, पिछले क्वार्टर में वो 128 करोड़ था, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1% का ही गिरावट यहाँ पर है, लेकिन पिछले साल में देखेंगे तो 142 करोड़ का था, मतलब दिक्कत यहाँ पर जो बनी हुई है वो प्रॉफिट मार्जिन है, देखिए प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पर चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 62.01% की होल्डिंग है, 19.82% एफआईएस के पास है, 3.79% म्यूचुअल फंड के पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 14.22% की होल्डिंग है, प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 126 एफआईएस इसमें इन्वेस्टेड है, 6 म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्टेड है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.8% की देखने को मिली है, 50% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो अगेन एक अच्छा शेयर दिखाई दे रहा है लोअर प्राइस पर, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यही मैं कहूंगा एसआईपी मोड में खरीदारी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वो शेयर है जिसमें तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए ये 3 एनबीएफसी मुझे ऐसे ऐसा लग रहा है कि अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बाकी के शेयर्स की अगर हम बात करें, तो देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसिव, ये और भी बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी काफी हाई वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहे हैं, वो काफी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इन शेयर्स को हाल फिलहाल में कहूंगा कि वेट कीजिएगा, ज्यादा
खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी न करें, ऐसे शेयर्स में वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये तीन जो शेयर है वो मुझे लग रहा है कि शायद वर्थ हो सकते हैं। तो देखिए बाकी मर्जी आपकी है कि आपको इसमें खरीदारी करनी है कि नहीं, ये कुछ मेरी तरफ से की हुई रिसर्च है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको ये स्ट्रेट अवे कह दूं कि आप इसमें खरीदारी कर लीजिए। खरीदारी करने का पूरा फैसला आप ही का होना चाहिए। खरीद इसमें बाय करना है, होल्ड करना है या बेचना है, ये भी फैसला आप ही का होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।